अग्निपथ योजना के खिलाफ कांग्रेस ने अब मोर्चा खोल दिया है। 1 फरवरी से कांग्रेस पार्टी जय जवान अभियान आंदोलन की शुरुआत कर रही है। जंतर मंतर से इस अभियान की शुरुआत होगी। इसे लेकर रिटायर्ड कर्नल रोहित चौधरी ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, जय जवान अभियान देश की सुरक्षा, सेना और युवाओं को बचाने और न्याय दिलाने के लिए लॉन्च किया गया है। अग्निपथ योजना के कारण सेना, वायु सेना और नौसेना में चयनित करीब 1.5 लाख उम्मीदवार सेना में शामिल होने से वंचित रह गए। रेगुलर सैनिक के मुकाबले अग्निवीरों की ट्रेनिंग और वेतन दोनों कम है। ये अग्निवीर जब सेवा से बाहर होंगे तो आने वाले वर्षों में सेना की क्षमता भी घटेगी। मोदी सरकार ने देश को प्राइवेट आर्मी की तरफ धकेल दिया है। चौधरी ने कहा, देश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस पार्टी ने फैसला किया है कि अग्निपथ योजना के खिलाफ आवाज उठाएंगे। पिछले 1 साल से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने युवाओं और पूर्व सैनिकों से इस बारे में बात की है, जिसके बाद हमने अग्निपथ के खिलाफ आवाज उठाई। जंतर मंतर पर 1 फरवरी को इन सभी युवाओं के लिए हम बड़ा आंदोलन कर रहे हैं। आप सब भी इस लड़ाई में आगे आइए। वहीं कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने भी आंदोलन को लेकर बताया कि जय जवान अभियान के 3 चरण होंगे। पहला चरण संपर्क अभियान, 1 फरवरी से 28 फरवरी तक। दूसरा चरण सत्याग्रह, 5 मार्च से 10 मार्च तक। तीसरा चरण पद यात्रा, 17 मार्च से 20 मार्च तक। कांग्रेस नेता ने कहा, आंदोलन अग्निपथ योजना को वापस लेने के लिए चलाया जाएगा और केंद्र सरकार से मांग की जाएगी कि सेना भर्ती की पुरानी व्यवस्था को बहाल किया जाए।